किसानों के समर्थन में सुभाषपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा। एसीएम चतुर्थ को शास्त्री घाट वाराणसी में दिया तथा मांग किया कि जल्द किसानों के तीन काले कानून को वापस लिया जाए। घर में शिवपुर पुलिस द्वारा नजरबंद प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने बताया कि मुझे बार बार नजरबंद करना हमारी राजनैतिक हत्या जैसा है। मैं घर में रहकर भी किसानों के साथ ही रहूंगा। कार्यक्रम में महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर, जिला उपाध्यक्ष सुमित राजभर, साचू राजभर, डॉक्टर बसंत जंग बहादुर, रामजी राजभर, उत्कर्ष साहनी, राजू मौर्य, अनित राजभर, श्रीमती रामकुमारी राजभर, गोपाल राज, सजय राजभर, रोशन राजभर आदि मौजूद रहे। जागेश्वर राजभर, महानगर प्रभारी सुवल्दे भारती स्वाजी। आज यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? आज वाराणसी के शास्त्री घाट पर आज जिला अधिकारी महोदय को ये पत्रक दिया जाएगा, जिसमें जो किसान विरोधी बिल लाई गए मोदी सरकार, तीनों बिल उसको तुरंत वापस ले। जिस तरह ये मोदी सरकार हिटलर शाही रवैया अपनाई हुई है, जो हमारे देश के अन्नदाता किसान है उन पे जुल्म जास्ती अत्याचार कर रही है। लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर 72 दिनों से ठंड बारिश झेलते हुए हमारे देश के किसान लगे हुए हैं, जिसमें कई किसान शहीद हो गए हैं। फिर भी इस तानाशाही हिटलर शाही मोदी सरकार की नींद नहीं जाग रही है। आखिर जब कोरोना काल में ये राज्यसभा और लोकसभा नहीं चल रहा था, फिर भी गैर संवैधानिक तरीके से ये तीनों बिल लाई। इस तरह हिटलर शाही रवैया, जिसमें पूरी तरह से प्रेस मीडिया भी इससे उत्पीड़न है, सभी तरह से सभी लोग, सभी वर्ग के लोग इस सरकार से उत्पीड़न है। इस तरह हम लोग आज मांग करते हैं कि तत्काल एक कृषि कानून बिल वापस लें। किसको आपने वोट किया? सरकार तो चर्चा करने के लिए बुला रही है, लेकिन कोई चर्चा कोई नहीं कर रहे। जबकि सरकार उनको बुला रही है कि आइए चर्चा करिए, बताइए किस पे कमी है, लेकिन कोई नहीं जा रहा है। देखिए, सरकार का दिखाने का, हाथी का दांत दिखाने का, खाने का कुछ और है। सरकार कई बार 12 बार चर्चा कर चुकी, इसमें कुछ नहीं है। पूरी तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली यह कानून है, जिसमें कोई चर्चा नहीं है इस मुद्दे को लेकर। जिसमें देखिए, कह तो रहे हैं, जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो, जिस देश का प्रधानमंत्री आज कृषि का किसान हमारे अन्नदाता है, 72 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं, एक दिन भी गृह मंत्री बात करने नहीं गए, एक दिन भी प्रधानमंत्री किसान भाइयों से बात नहीं करेंगे। क्या वो खालिस्तानी है? क्या वो पाकिस्तानी है? क्या कारण है कि हमारे गृह मंत्री नहीं मिले? आज दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली पे क्या हुआ 26 जनवरी को वो देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगा करता था, आज उस देश में जय जवान जय किसान को आगे कर किसने किया? ये मोदी सरकार की देन है। आज पूरी तरह से हिटलर शाही रवैया कर दिया गया है कि ये अंग्रेजों से भी बढ़ के बदतर ये सरकार चला रहे हैं। पूरी तरह से ये सरकार को बहिष्कार और राष्ट्रपति शासन। किसको आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय से मांग। कोई आया है ज्ञापन लेने के लिए? अभी थोड़ी देर में SDM महोदय आएंगे, अभी ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें हमारे प्रदेश के नेता हैं, सभी लोग हैं, यहाँ पे जिले के पदाधिकारी हैं।